हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल क्रिप्टो इंटेलिजेंस इंडिया पे। इस वीडियो में हम मार्केट का वीकली रिकैप करेंगे और नेक्स्ट के कुछ अपडेट्स के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक एंड कॉमेंट। एंड हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग एनी मनी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मार्केट का जो भी ओवरऑल कैप है वो है 287 बिलियन, और कहीं ना कहीं मार्केट एक अपवर्ड मोमेंटम में है। अपसाइड जो मार्केट का चैनल है वो अभी अपसाइड में है, और मैंने कई बार ये मेंशन किया है कि 2019 जो होगा एक कहीं ना कहीं ग्रेजुअल अपसाइड हमें देखने को मिलेगा। मार्केट जो है बेस बना के स्लोली अपसाइड में मूव कर रहा है। कई लोग कह रहे थे, अभी कुछ दिन पहले एक करेक्शन देखने को मिला था, आई थिंक बिटकॉइन 8000 के नीचे आ गया था। वहाँ पे बहुत लोग फिर से कहने लगे थे कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं वो एक बुल ट्रैप था और मार्केट जो है फिर से डाउनसाइड जा रहा है और बिटकॉइन हो सकता है 3000 या 3500 दोबारा रीटेस्ट करे, जो कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे लग रहा है कि जो डाउनसाइड था, जो मेजर डाउनसाइड था, वो 2018 में ख़त्म हो चुका है। अब वी कैन ओनली सी द अपसाइड। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन जो है वो 17% अप है 7 डेज में, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इथीरियम जो है बिल्कुल उसके पीछे है 13%। अगेन, ये दोनों प्रोजेक्ट बहुत शानदार हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप 3 साल 4 साल या 5 साल की बात कर रहे हो तो यही दोनों प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर आप बिलीव कर सकते हो, जिनकी सस्टेनेबिलिटी है, लॉन्गजेविटी है। और कहीं ना कहीं ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं या बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को माना है कि ये जो एसेट्स हैं, जो क्रिप्टो एसेट्स हैं, दे आर हियर टू सर्वाइव। तो बहुत ही अच्छा गेन दोनों एसेट में देखने को मिला है, बीटीसी और ईथर में। लाइटकॉइन का जो अभी हावनिंग का एंटिसिपेशन है, उसके चलते कहीं ना कहीं एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है लास्ट 7 डेज। हालांकि ये नीचे से बहुत ज़्यादा इसका प्राइस अप्रिशिएट हुआ है। ये जब लो गया था मार्केट, उस टाइम $25 से कहीं ना कहीं ये मोर देन 5x हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि हावनिंग का जो मेजर जो प्राइस है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। मेरे को लग रहा है अपसाइड बहुत ज़्यादा कैप्ड है फ्रॉम दिस प्राइस, मे बी 150-160 ये जा सकता है, या हो सकता है बहुत ज़्यादा बुलिश केस में $200 जाए, लेकिन उसके बाद लगता है एक करेक्शन आ सकता है लाइटकॉइन में, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट। मार्केट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर एक बहुत बड़ा बुलरन आ जाए जैसे 2017 में आया था, तब लाइटकॉइन भी अच्छा मूव दिखा सकता है, आई थिंक नया हाई बना सकता है। लेकिन करंट सिचुएशन में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हावनिंग का जो इवेंट है वो प्राइस के अंदर फैक्टर्ड इन है। बिटकॉइन कैश 11% अप है। EOS बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, मैंने कई बार मेंशन किया है। इथेरियम के बाद सबसे ज़्यादा इसका जो है नेटवर्क इफेक्ट है, इसका इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है, इसके प्लेटफॉर्म पे डैप्स आ रहे हैं। तो अगेन EOS एक अच्छा होल्ड है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। और बात करें कार्डानो में भी बहुत हलचल देखने को मिल रहा है। अभी काफ़ी AMAs भी देखने को मिले हैं फ्रॉम चार्ल्स हॉस्किंसन, और कहीं ना कहीं जो शेली है वो कंप्लीशन के फेज़ में है, और बहुत ही जल्दी जो है इनका स्टेकिंग जो है वो शुरू होगा, और कहीं ना कहीं जो POS है, जो प्रूफ ऑफ स्टेक है, उसको हायर लेवल पे, ग्रांड स्केल पे लेके जाना चाहते हैं। एंड दे वांट टू डिसेंट्रलाइज दिस होल कंसेंसस एल्गोरिदम, क्योंकि अगर बात करें US की या इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में नोड्स हैं जो कि POS रन करते हैं। लेकिन कार्डानो का कहना है कि ये दे वॉन्ट टू इंक्लूड एज मेनी एज पूल्स, दे वॉन्ट टू डू इट, दे वॉन्ट टू मेक इट एज डिसेंट्रलाइज एज दे कैन। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि अभी भी वर्किंग प्रोडक्ट नहीं है, बातें बहुत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं टीम स्ट्रांग है, विजन स्ट्रांग है, और एक ग्रैंड स्केल पे कहीं ना कहीं काम चल रहा है। तो डेफिनेटली कार्डानो पे आप नज़र बना के रख सकते हो। डैश बहुत ही ओल्ड प्रोजेक्ट है, 11% अप है। मोनेरो भी ओल्ड प्रोजेक्ट है, और काफ़ी जो है ये रेपुटेड नाम जो है इनके साथ जुड़े हैं, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। इनका यूज़ केस भी बहुत अच्छा है। अगर बात करें डैश की, तो वेनेजुएला जैसे कंट्री में एज अ पेमेंट इसको एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये डैश जो है वो भी इसकी लॉन्गजिविटी बहुत है। बात करें 20% अप है नियो। नियो अगेन इट्स राइजिंग फ्रॉम डेड। बहुत लोगों को लगा था राइट ऑफ कर दिया था लोगों ने नियो को, लेकिन अभी जो हाल में ही कॉन्फ्रेंस हुआ है और इसके अंदर बहुत सारा जो पैसा उसको इंजेक्ट किया जा रहा है, आई थिंक नियो 3.0 पे जो है वो काम चल रहा है बहुत ही तेज़ी से। तो कहीं ना कहीं नियो भी दोबारा जो है एक्शन में आ रहा है, और डेफिनेटली एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है, और 1 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप दोबारा आ गया है। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो है नियो ने दिखाया है।
ओंटोलॉजी भी इसके पीछे है, 11% अप है, बहुत ज़्यादा अप नहीं है इफ़ यू कंपेयर विद नियो, बट अगेन ओंटोलॉजी जो है एंटरप्राइज फोकस्ड ब्लॉकचेन है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ज़बरदस्त पार्टनरशिप्स है और मल्टी चेन अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो डेफिनेटली ओंटोलॉजी एक अच्छा मिड कैप कॉइन है और एक पोर्टफोलियो में ये जगह रखता है और अभी भी मैं ओंटोलॉजी को होल्ड कर रहा हूँ। चेन लिंक ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है टॉप 100 के अंदर और आई थिंक सबसे ज़्यादा इसने गेन लिया है टॉप 100 में। अभी जो एक न्यूज़ निकल के आई थी गूगल के साथ इनका पार्टनरशिप, उसके चलते बहुत ज़बरदस्त प्राइस एक्शन देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है बहुत ज़्यादा ये प्राइस जो है अप्रिशिएट और ओवर वैल्यूड भी हो, तो शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं कह सकते लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने हमेशा ही मेंशन किया है। अगर स्क्रॉल डाउन करें लिस्ट को तो ओमिसेगो भी अप है 10%, अच्छा प्रोजेक्ट है, विटालिक की बैकिंग है, ये नहीं पता कि किस तरह से ये दोबारा जो है अपने आप को गैदर करेंगे और दोबारा उठने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये अप है। और लिस्ट में और नीचे जाएं तो बाइटम 26% अप है, मैं इसको ट्रैक नहीं करता, आई हैव नो क्लू। कूकॉइन ज़बरदस्त परफॉर्म करके गया है लास्ट वीक आफ्टर चेनलिंक, तो चेनलिंक के बाद सबसे ज़्यादा गेन जो है कूकॉइन ने दिखाया है। और जो भी बाइनेंस की जो न्यूज़ आई थी US कस्टमर को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बाइनेंस वाले, तो इसके चलते एक्सचेंज जो कॉइन्स है जैसे बिटमैक्स है या कूकॉइन है उनमें बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिला है और उसी के एंटिसिपेशन में 52% जो है वो कूकॉइन अप है। मेटावर्स ETP मोस्ट मैं बोलूँगा ये हिडन कॉइन है, अंडर द रेडार है, बहुत लोग बात नहीं करते लेकिन ग्रेजुअली जो है ये अपना नाम जो है इसने ऐड किया है टॉप 100 में और टॉप 50 में भी जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट है। मैं पहले इसको ट्रैक करता था, मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखा भी था, उसके बाद से इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला और मैंने इसको सेल किया था, फिर अपने आप को कहीं ना कहीं इन्होंने दोबारा जो है अपने प्रोजेक्ट को उठाया है और एक अच्छा जो है मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्ट्रैटिस अगेन ओल्ड प्रोजेक्ट है और दोबारा ये लाइमलाइट में आ रहा है, 31% का गेन दिखाया है इसने लास्ट एक हफ्ते में। और लिस्ट में अगर हम नीचे जाएं तो नैश ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले कुछ दिनों में, जैसे ये बाइनेंस की न्यूज़ आई कि ये US के कस्टमर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत ही न्यूज़ आ गई कि नैश को जो है ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में जो है अप्रूवल मिल गया है और ये जब लॉन्च करेंगे तो जितने भी US के कस्टमर्स हैं दे कैन यूज़ नैश प्लेटफॉर्म, जो कि बहुत बड़ी बात है और मेरे को लग रहा है Coinbase के बाद ये सबसे बड़ा एक्सचेंज होगा जो कि फुल्ली कंप्लायंट होगा फॉर दी US कस्टमर्स, तो बिग डील है, ह्यूज डील है और उसके एंटिसिपेशन में 39% जो है नैश अप हुआ है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने नैश को होल्ड किया और इस मार्केट में जहां पे अदर कॉइन्स में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और नैश लैग कर रहा था उसके बावजूद भी लोगों ने होल्ड किया, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स भी देखने को मिल रहे हैं रिगार्डिंग नैश, ये क्रिप्टो लार्क का ये ट्वीट था अभी एक दो दिन पहले जहाँ पे इन्होंने बताया है कि नैश इज़ रेडी फॉर US कस्टमर्स, पावरफुल डेक्स एंड हैज़ एन ऑसम 75% रेवेन्यू शेयर ऑन लॉक्ड टोकन्स। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे क्रिप्टो लार्क है या क्रिप्टो जॉम्बी है या मिस्टर क्रिस्टफ है, दे हैव नाउ स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट नैश और इसको काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी मिल रहा है इस मार्केट में। और नैश का जो फोकस है वो है पूरा का पूरा कंप्लायंट होना, रेगुलेटेड होना, और जिस तरह से ये इनका विजन है और जिस जो काम चल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में जो टोकनाइज एसेट्स हैं, टोकनाइज स्टॉक्स हैं, जैसे एप्पल का टोकनाइज स्टॉक है या फेसबुक लेके आ सकता है टोकनाइज एसेट, उसकी भी ट्रेडिंग हो सकती है नैश के ऊपर, जैसे T0 है या ओपन फाइनेंस है, इस तरह का इकोसिस्टम ये बिल्ड कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो लोग ट्वीट कर रहे हैं, दे आर सेइंग कि दिस इज स्टिल बिगेनिंग फॉर नैश, बॉन्ड्स ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज एंड नैश कैन इवन बी लिस्टेड ऑन ट्रेडिशनल EU मार्केट्स। जैसा कि एक ये सिक्योरिटी टोकन है, हो सकता है आने वाले टाइम में यूरोपियन यूनियन के अंदर जो लीगल जो स्टॉक मार्केट है वहाँ भी ये लिस्ट हो जाए, तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि नैश यहाँ से कहाँ जाता है। मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं एक ड्यू था, ये प्राइस स्पाइक काफ़ी दिनों से लग रहा था कि इसमें स्पाइक आने वाला है और मुझे अभी भी लग रहा है कि नैश जो है कहीं ना कहीं बहुत अंडर वैल्यूड है अगर हम कंपेयर करें बाइनेंस के साथ, क्योंकि ये एक बहुत बड़े लीग का कॉइन है और मुझे नहीं लगता कि 80 मिलियन या 50 मिलियन, हालांकि ये जो सप्लाई जो है वो कॉइन मार्केट कैप ने रॉन्गली इसको अपडेट किया है, तो हालांकि इतना इसका मार्केट कैप नहीं है लेकिन मुझे नहीं लगता कि 60 मिलियन या 70 मिलियन इसका मार्केट कैप होना चाहिए, इट शुड बी वैल्यूड एट मच हायर लेवल।
बात करें कुछ और कॉइन्स की जो लास्ट वीक में जो मोमेंटम आया था उसके अंदर है एनर्जी। एनर्जी को मैंने रिसेंटली कवर किया है 2-3 दिन पहले, तो ये बहुत ही फंडामेंटली साउंड प्रोजेक्ट है और अगेन अंडर द रेडार है, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं है और जो टीम इसके पीछे है वो बहुत अच्छी है और बहुत एक्सपीरियंस टीम है जो कि क्रिप्टो के अंदर काम कर रही है फॉर लास्ट 6-7 ईयर्स। और जो इनका सेल्फ फंडिंग का जो मैकेनिज्म है, जो ट्रेजरी जो इन्होंने डेवलप किया है, वो कहीं ना कहीं इनको लॉन्ग रन में सस्टेन रख सकती है इस प्रोजेक्ट को। तो डेफिनेटली इसको आप ट्रैक कर सकते हो। इसका एक अर्न ड्रॉप आने वाला है, आई थिंक जो ग्लोबल अर्न ड्रॉप है जहाँ पे हम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 100 एनर्जी कॉइन्स मिल सकता है, वो Q3 में होगा। तो डेफिनेटली आप इस पर रजिस्टर कर सकते हो, मैंने इसका लिंक भी शेयर किया है और देख सकते हो अगर आपको 100 कॉइन्स मिले। अगर बात करूँ कुछ इन्फ्लुएंसर्स की, तो टाइजन जो है बहुत ही रेपुटेड नेम है क्रिप्टो के अंदर और बहुत ही अर्ली इन्वेस्टर हैं बिटकॉइन और इथेरियम में। मैं इनको बहुत ही अर्ली से फॉलो करता हूँ, जब इथेरियम $10 के नीचे था तब से ये ट्रैक कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कहीं ना कहीं एनर्जी पे भी ये बहुत बुलिश हैं। और अगर मैं इनका ट्वीट दिखाऊं तो इन्होंने लिखा है, एनर्जी हैज़ बीन क्रॉलिंग अप ड्यूरिंग बेयर मार्केट, नाउ दैट इट इज़ इन टॉप 100 आई एम प्रोजेक्टिंग $7.50 बिफोर एंड ऑफ 2019 ड्यू टू द रीजन्स दैट एंट्रेंस इन टॉप 100 ब्रिंग्स मोर आई बॉल्स, लो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, फोक्स लॉकिंग अप टोकन्स फॉर स्टेकिंग एंड मास्टर नोड एंड टेकिंग इट ऑफ फ्रॉम मार्केट। इनका ये कहना है कि ये बेयर मार्केट में अंडर द रेडार कॉइन है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं टॉप 100 में आया है, टोकन इकोनॉमी ज़बरदस्त है और इनका ये टारगेट है कि $7.50 इस साल के एंड तक जा सकता है। मैंने इसको कवर किया था बहुत पहले जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा था, अभी लॉन्च भी नहीं हुआ था जब एयर ड्रॉप इनका आया था, फिर जब ये मार्केट में लाइव आया था तो आई थिंक 30-40 सेंट के आसपास था, वहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। और जो मोस्ट जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जो मोस्टली कॉइन्स हैं, वो कहीं ना कहीं मास्टर नोड और स्टेकिंग में लॉक हो रहे हैं और हो जाएंगे, इसलिए कहीं ना कहीं स्कैरसिटी होगी टोकन्स की और प्राइस अप्रिशिएट करेगा, इनका मानना है और मेरा भी मानना है। तो फ्रेंड्स ये था टॉप 100 का रीकैप और मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड में है। बिटकॉइन जो है अभी मूव कर रहा है, ऑल्टकॉइन जो है कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इन सतोशी वैल्यू, लेकिन जैसे ही बिटकॉइन कूल ऑफ होगा और एक कंसोलिडेशन में जाएगा, दोबारा ऑल्टकॉइन में ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगी। इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री, ऑल्टकॉइन ने हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दिया है। अगर आप अच्छे सॉलिड ऑल्टकॉइन में हो तो डेफिनेटली बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करेगा और हिस्ट्री में किया भी है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।